हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? यार आज का नज़ारा देख सकते हैं आप मेरे भी इस साइड, कितना अच्छा नज़ारा है। धुंध छाई हुई है बिल्कुल। पहले मैं इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ, छोटों को मेरा प्यार, बड़ों को नमस्ते जुले। होप आप सभी एकदम बढ़िया होंगे अपने अपने घरों में। अपन लोग भी एकदम मस्त है अपने शहर में। और ये व्यू देख सकते हैं आप, भी आ चुका हूँ। तो अभी मैं रवि भाई का वेट कर रहा हूँ, और ये रवि भाई भी आ चुके हैं जो मेरा टैटू बनाएंगे आज। और रवि भाई कैसे आप? तो यार ये रवि भाई है जो मेरा टैटू बनाएंगे आज। तो अभी हम मार्केट जा रहे हैं पहले, क्योंकि हमने प्रिंट निकालना है उसका पहले एक बार, फिर उसके बाद आपको बताते हैं आज मैं कौन सा टैटू बनाऊंगा। मैं दिखाता हूँ, बने रहिए तब तक आप मेरे साथ। तो यार ये अभी हम जाकड़ी में आए हुए हैं। ये जो आपने चीज दिख रही है ये NGPC का ऑफिस है यहाँ पे पास। ये पुरानी जाकड़ी है और नई जाकड़ी इस साइड को आगे को है नई जाकड़ी। और आप यहाँ पे कुछ नज़ारा देख सकते हो जाकड़ी का। और जहाँ अभी एक्चुअली मैं जहाँ पे आया हूँ, ये रवि भाई ने अपने ऐसे ही बनाया है स्टोर टाइप का। तो एक्चुअली वो अभी अपनी शॉप में नहीं है, तो फिर उन्होंने बोला कि घर पे बना लेते हैं। अब शॉप में यहाँ पे होता ही है, खर्चे खुर्चे बहुत जाते हैं, तो बाकी और परे चीज़ों को इग्नोर करना प्लीज़। तो ये कुछ उनका सामान है अभी। और जो मैं टैटू बनाने वाला हूँ वो ये है, एक तो ये बना रहा हूँ मैं ये वाला, ये, और एक ये बनाऊंगा या फिर एक ये बनाऊंगा, दो में से। क्योंकि ये चीज़ मेरे यहाँ पे लगनी है, ये यहाँ से यहाँ पे बनेगी ये चीज़। बाकी जैसे बनने के बाद कैसे लगता है वो मैं आपको बताऊंगा। और एक दो तीन, इन दो में से एक चीज़ बनाऊंगा और एक ये चीज़ बनाऊंगा मैं आज। बाकी अभी इनके पास थोड़ा टाइम भी नहीं है, और फिर जैसे इनके पास टाइम होगा तो फिर दोबारा आ जाऊँगा मैं। अभी एक्चुअली मैं इनके घर पर आया हूँ, तो इनके स्टोर टाइप का यहाँ पर, तो यहाँ पर बना रहे हैं हम अभी। बाकी और जगह जब बनाऊंगा मैं अच्छे से तो बताऊंगा मैं अच्छे से। और बाकी यार हालत थोड़ी ख़राब हो चुकी है, क्योंकि सुबह मैं उठ के ही आया था, हाथ मुँह धोया, बस वहाँ निकल गया, टाइम नहीं लगा ज़्यादा। और आप ये देख रहे हो सकते हो तो नीचे ये पुरानी जाकड़ी में ये शिव मंदिर है, काफ़ी फेमस मंदिर है, काफ़ी अच्छा मंदिर है। जब हम बचपन में मैं यहाँ पर पढ़ा करता था KMP स्कूल में, तो मैं इस मंदिर में ज़रूर आता था यहाँ पर। तो यार रवि भाई ने इसे प्रिंट किया है और इस वाले को, हम ये दो टैटू बना रहे हैं अब हम। और बाकी भी रवि भाई देखते हो आप, बस अब तैयारी कर रहे हैं, थोड़ी देर में बस अब हाथ में छप जाएगा। बाकी आप जो बैकग्राउंड में देख रहे हैं तो यार इसे इग्नोर करना, क्योंकि ये अभी अब रवि भाई के स्टोर में बना रहे हैं, तो शॉप तो आजकल बंद है इन्होंने रखी हुई इसलिए। तो यार ये टैटू की शुरुआत हो चुकी है अभी, अभी लाइनिंग कर रहे हैं ये। तो यार ये अभी लाइनिंग हुई है, अभी देख सकते हो आप। यार आप लोग देख सकते हैं अभी 50% अभी हो चुका है टैटू का काम कंप्लीट। पर जो ये सुइयाँ घुस रही हैं अंदर, तो ऐसा लग रहा है जैसे मधुमक्खी के झुंडों ने अटैक कर दिया हो। काफ़ी पेन होती है यार ऐसे टैटू बनाने में, बहुत सारी सुइयाँ एक साथ अटैक करती है और काफ़ी ब्लड भी निकलता है, जैसे देख सकते हैं अभी तक काफ़ी ब्लड भी निकल चुका था। तो यार ये भाई ये 50% तो अभी टैटू बन चुका है, और इसमें मेरी इतनी बैंड बची है आज, अब देख सकते हो ये 50% टैटू बन चुका है। अभी 50% ये यहाँ से भी ये वाला पोर्शन अभी बचा है, बाकी तो हो चुका है यहाँ पे। बाकी बनने के बाद मैं बताता हूँ आपको कैसे बनाए हैं। तो यार एक टैटू तो बन चुका है मेरा,
मेरा टैटू कंप्लीट हो चुका है और अब सेकंड टैटू की बारी है जो यहाँ पे बनेगा। देख चलो बनने का आपको दिखाता हूँ मैं। तो यार ये फाइनली मेरा टैटू पूरा बन के तैयार हो गया है, तो कुछ इस तरह से दिख रहा है मेरा हाथ। तो यार दोस्तों, अगर आपको ये टैटू पसंद आया हुआ है जो मैंने बनाया है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। बैक साइड से कुछ इस तरह से दिखता है ये तो मैंने हाथ मोड़ा हुआ है, पर दूसरे साइड पे दिखेगा ये, और फ्रंट से कुछ इस तरह दिखता है। अगर आपको ये टैटू पसंद आया हो या फिर किसी और ने बनाना हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, तो मैं आपको उनका नंबर दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं डायरेक्ट आपको उनका नंबर डाल दूंगा, रवि भाई का, जिन्होंने ये टैटू मेरे लिए बनाया। और बस इतना ही था यार, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं था, पर टाइम बहुत लग गया, दर्द भी बहुत हुआ, मत पूछो, हालत ख़राब हो गई थी मेरी। आप मेरा फेस देखते तो स्वेलिंग आ चुकी फेस में भी काफ़ी, क्योंकि पेन बहुत हो रहा था। अभी पेन किलर लिए मैंने, एक पेन किलर खाऊंगा फिर थोड़ा आराम मिल जाएगा, वो भी अगर ज़्यादा दर्द हुई तो, अगर नॉर्मल रहा तो फिर ज़रूरी नहीं है पेन किलर लेने की। बट अगर किसी ने भी अगर ये टैटू बनाना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में रवि भाई का नंबर है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं उनसे, आपको अच्छे रेट में अच्छा टैटू मिलेगा बना के। और तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।